एमबीए करना चाहिए अच्छे कॉलेज। कौन ऐसा लोगों के साथ में जिन्होंने ज्यादा पैसे भरे, कॉलेज मिला फिर कम का पैकेज लगा। गाइस अभी सुबह के बजे 7:30 और हम जा रहे हैं अभी एग्जाम देने। मेरी तो पढ़ाई हुई नहीं वाली, पर सर सिखाते एल आर तो सर तो टॉप करेंगे, सर को कॉलेज मिल जाएगा आज, है ना सर? देखते हैं अभी। Too soon to talk about. अरे सर आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अभी यहाँ से 30 मिनट दूर है हमारा सेंटर। क्या मालूम क्या होता है, कल भी एक एग्जाम है वो भी देने का है। और आज कौन सी एग्जाम है बट आपकी भी CET है आज की, कल की CVET है। तो ये महाराष्ट्र वाली रहती है, तो अभी देखते हैं एक्सपीरियंस। कल ही एग्जाम शायद काम में आए कुछ मुझे लगता है ना, प्रैक्टिस तो होनी जाती। गाइस सर को पूछते हैं कैसा गया पेपर। देखो गाइस सर की खुशी भाई, कॉपीराइट है, कॉपीराइट है। तो गाइस मैं तो सर का देख के लिखा थोड़ा थोड़ा पेपर, सर मेरे बाजू में ही थे, कोई और बच्चा होता तो बेचारे का कॉलेज लग जाता अच्छे से है कि नहीं सर? पेपर वाज सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्या टिप्स देना है सर तुमको कुछ? कंसिस्टेंसी। अरे वो तो बताते रहता कुछ, कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। और क्या मैटर करता है? एमबीए करना चाहिए अच्छे कॉलेज से, करना चाहिए बट टॉप 3 कॉलेजेस अच्छा जो महाराष्ट्र में है सीईटी के थ्रू, एंड दैट टू फ्रॉम गवर्नमेंट कोटा ओनली। नॉट अच्छा, मतलब ज्यादा पैसे नहीं डालने चाहिए एमबीए करना है फिर भी, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन आप बार-बार नहीं करते, ठीक है? करना है तो अच्छे कॉलेज से करो, और उसको इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इन आवर टर्म वी कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI। हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, इट शुड बी अ गुड डील। सो होता है ऐसा लोगों के साथ में जिन्होंने ज्यादा पैसे भरे, कॉलेज मिला फिर कम का पैकेज लगा। हाँ फिर उनका क्वांटिटी बढ़ गया ना अभी, एज से यू गो फॉर अ कॉलेज हु हैज PGDM कोर्स फॉर से 15 लाख 14 लाख यस, एंड आफ्टर 2 इयर्स यू आर गेटिंग 8 लाख 10 लाख, वो फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं हुआ ना फिर। तो दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अ वेरी हंबल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, so they should always opt for colleges through government quotas such as cap rounds, cap round 1, cap round 2. ये बात तो है, need to go through some difficulties in life to score. और कुछ कॉलेज रहते हैं जिनका फीस भी महंगा रहता है, एग्जाम भी लाइक there are colleges, yes, NMAT वगैरह, yes yes definitely, so it is high income and high investment ratio, so अच्छा, it depends, so, it varies from person to person. हाँ तुम्हारी capability है, लेकिन उसका मतलब बहुत सारे कॉलेज, हाँ 2-2.5 साल का उसका एक्सपीरियंस है, उसका PGDM ही शायद, वो चेन्नई का कॉलेज है टॉप वाला कुछ तो भी, NMAT CMAT थ्रू लगा है, मालूम तुमको ना? CMAT is for all India level. Achha. So there are various colleges for that. But for an experienced candidate more than 3 years, 5 years, they can go for GMAT also. GMAT. अच्छा. अनि GRE तो बाहर साइड की है. अलून बाहर साइड लगून चला दे. डंकी देखी क्या तुमने? नहीं यार मैंने देखी वो बोर पिक्चर नहीं देखता. बाहर इंडिया में सब कुछ है अभी. अच्छा इंडिया में सब कुछ है. बन रहा है अभी. अच्छा तो इंडिया is developing. In a growing stage, yes. तो मतलब बाहर जाने से अच्छा यहाँ पे रुको ऐसा है। ते मराठी एक वर्ड है ना, आपल्या मातीत जो असा स्ट्रगल करायचा जो हे असतो ना, आदिवासी ते बाहेर जाऊन नाही भेटत, आणि आपला सत किती जरी गेला तरी। ओके 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 गाइस, तो दैट्स फॉर द टुडेज ज्ञान विथ यस सर। तुमको क्लास लगाना है तो सर को करो DM, जिसको MBA करना है बैंकिंग करना है। ओके गाइस,